हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से मैं ग्रोसरी आइटम्स को स्टोर करती हूँ। मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से मैंने इन कंटेनर्स को वॉश किया है। ये सेलो के कंटेनर्स हैं और इन्हीं में मैं अपनी दालें और पल्सेस को स्टोर करती हूँ। तो मेरी लास्ट वीडियो भी देखिए अगर आपने नहीं देखी। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपको मॉनसून में ये दालें और ये ग्रोसरी आइटम्स को स्टोर करना है ताकि वो ख़राब ना हो। तो जो पहले की बची हुई दालें और पल्सेस थी वो तो मैंने धूप में सुखाने के लिए रख दी हैं, क्योंकि ये अगर इनमें मॉइस्चर है तो वो निकल जाएगा। ये मैं नई दालों के साथ मिक्स नहीं करूँगी। और जो न्यू दालें हैं और पल्सेस हैं उनमें मैंने फिल कर दिया है ये, उनको मैंने सेलो के कंटेनर में। और मैं लाल मिर्चें, जो सूखी हुई लाल मिर्चें होती हैं, वो डाल रही हूँ ताकि इनमें कीड़ा ना लगे और ये ख़राब ना हो। अगर आपके पास लाल मिर्चें नहीं है तो इन दालों के कंटेनर को आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो इनमें कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा मानसून के सीज़न में। तो इन सब में मैं ये लाल मिर्चें डाल रही हूँ। ये मैंने राइस भी इसके अंदर रखे हैं, राइस ख़राब नहीं होते, क्योंकि ये ऊपर से जो इस कंटेनर है ये सील हो जाता है। ये टपरवेयर के जैसा ही कंटेनर है और ये इसमें कीड़ा नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर हमें मॉनसून में बचाना है तो हम सूखी लाल मिर्चें डाल सकते हैं या फिर लौंग भी डाल सकते हैं इसके अंदर ताकि कीड़ा ना लगे, या फिर फ्रिज में रख दीजिए तो कीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये मैं बाकी की दालें जो रह गई थी वो भी खोल के इसके अंदर डाल रही हूँ। तो बाकी जो ये चीज़ें हैं, जैसे कि नमकीन हो गए, बिस्किट्स हो गए, तो इनके पैकेट्स मैं टपरवेयर के कंटेनर में स्टोर करके रख लेती हूँ। जो भी मुझे चाहिए मैं इसमें से निकाल लेती हूँ और जो बच जाता है दोबारा इसी में ही रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये सिलता नहीं है इसके अंदर। कुछ भी निकालो और दोबारा से रख दो तो, क्योंकि ये भी सील हो जाता है और ना ही ख़राब होता है ये इसके अंदर। इसी तरह का एक और बॉक्स है मेरे पास, तो मैं उसके अंदर ये सब ईटेबल्स लाइक बेम्बिनो है, मैगी वगैरह मैं रख देती हूँ, या पॉपकॉर्न्स हैं, तो ये मैं इसके अंदर रखती हूँ और इसी में से ही यूज़ करती हूँ। इसके अंदर ये ख़राब नहीं होती। अब जो बाकी के कंटेनर्स हैं इसके अंदर मैं स्पाइसेस अपने फिल कर लूँगी, या फिर जो बची हुई दालें हैं वो अलग अलग पैकेट सील पैकेट में डाल के इनके अंदर रखूँगी। ये मेरे पुराने स्पाइसेस थे जो मैंने एक ही उस बॉक्स में रखे हुए थे, टपरवेयर के बॉक्स में। और जो इस तरह के स्पाइसेस होते हैं वो मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ, ये बिल्कुल भी सिलते नहीं हैं और ख़राब नहीं होते, इसीलिए इस फ्रिज के अंदर आप रख सकते हैं। और ये स्पाइसेस के जो पैकेट्स हैं वो मैं इसी सेलो के बॉक्स में कंटेनर में रख रही हूँ, और ये भी मैं फ्रिज में रख दूंगी। बाकी जो डेली यूज़ के स्पाइसेस हैं वो मैं इस तरह के जो नमकदानी है उसके अंदर रखती हूँ। इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं सिलता कुछ भी, क्योंकि ये लॉक हो जाती है, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाता, इसीलिए मैंने ये ले रखी है। ये देखिए लॉक हो गई बिल्कुल। और इसी सेलो के कंटेनर में मैं सूजी और बेसन भी रखती हूँ, वो भी फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। और इस तरह के एयरटाइट कंटेनर में ड्राई फ्रूट रख के फ्रिज में स्टोर करती हूँ। और ये पापड़ हैं जो कि एयरटाइट कंटेनर में हैं ताकि